नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक में कभी कभी जब अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको किस तरह सल्यूशन करना है इसका, इस जो मैं आपको बताएंगे। हाँ, और मेरा नाम अंकुश है और मेरा चैनल में आपका स्वागत है। जो आप लिंक से ओपन करें हैं स्टॉक अकाउंट, उस लिंक से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस देखना है, जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर का जो 6 डिजिट का ओटीपी है, ओटीपी के आपको यहाँ पर डालना है और इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। जो आप 6 डिजिट का जो पहले पिन बनाया है वही पिन आपको फिर से डालना है यहाँ पर, और डालने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग नहीं हो, अकाउंट एक्टिवेशन नहीं हुआ है, पहले ही कैंसिल हो गया, एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। इसके लिए आपको सोल्यूशन करने के लिए फिक्स इज्यूज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद हो जाएगा। पैन कार्ड का डिटेल आपको मिला लेना, डेट ऑफ बर्थ मिला लेना, सब कुछ मिलाने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको मेल है, अगर मेल है सिंगल है तो सिंगल कर लेना, आपको सब कुछ डिटेल मैच कर लेना, इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। आपको यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर भी आपको मिला लेना है, अगर आप डिजिटल सिग्नेचर फिर से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोटो आपको मिला लेना, फ़ोटो मिलाने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद यहाँ पर बैंक का डिटेल आपको देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर करेंट अकाउंट नहीं था, सेविंग अकाउंट था, करेंट अकाउंट हो गया, इसके कारण मेरा रिजेक्ट कर दिया गया है। इसको आपके बाद फिर से आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर से नीचे आना और सेविंग पे क्लिक करना, और इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़े देर के बाद आपको कॉन्ग्रेजेशन आएगा, इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू विथ एग्जिट डिटेल, यहाँ पर बैंक हमको यही बैंक डिटेल सबमिट है, और यहाँ पर एड्रेस नहीं चेंज करना और नहीं हमको दूसरा बैंक लेना, यही बैंक में हमको करना। और यहाँ पर इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बैंक का आपको करेक्ट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पर टैप टू अपलोड पे यहाँ पर हम चेकबुक अपलोड करना चाह रहे हैं, आपको चेकबुक लेना और आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको नो पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है, हमको फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद नव नामी का अगर आप नाम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। इसके बाद आधार OTP पे आपको क्लिक करना है। इससे थोड़ी देर बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस साइन नो पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद NSDL पे आपको यह पे आपको क्लिक कर देना, टिक मार देना, इसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार का आपका 12 डिजिट का आपको नंबर डालना है, इसके बाद सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आधार से जो लिंक है उस पर आपको 6 डिजिट का OTP आपको मिलेगा, वो OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको थोड़ी देर रुकना, और यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आपका रिव्यू में चले गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का वीडियो मिलता है।